आपको इलीज कॉस्मेटिक्स की फुल फेशियल रेंज से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और साथ ही साथ इसका रिव्यू भी दूंगी। फेशियल को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि इसमें जो एक्टिव वाइटनिंग एजेंट है ना गाइज, वो मोस्टली वाइटनिंग क्रीम के अंदर होते हैं, क्योंकि मेरे पास 99% क्वेश्चंस इसी चीज़ के आते हैं कि हमें फेयरनेस की कोई चीज़ बता दो। तो आज मैं आपको फुल फेशियल रेंज लेके आई हूँ जिसमें ग्लूटाथायोन एंड कोजिक एसिड की इन्वॉल्वमेंट है, फॉर्मुलेशन बाय स्विट्जरलैंड है और कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेके। इस फेशियल में 6 बॉटल्स हैं, ठीक है, ये जितनी फ्रंट पे बॉटल्स रखी हैं ये फेशियल रेंज में 6 बॉटल्स। तो सबसे पहले आएगा इनका टोनर। टोनर के अंदर है ग्रेप फ्रूट एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, जो कि एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बेहतरीन है। आपकी स्किन को हाइड्रेशन के साथ मैटिफाई लुक देगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा। अच्छा गाइज, ये जो सीरीज मैंने आपको बताई है ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए रिकमेंड है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, बल्कि इसके अंदर विटामिन B1 एंड B2 है। विटामिन B1 B2 जो है वो आपके सीबीशियस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्किन के अंदर या प्रोडक्शन होती है उसको बैलेंस करता है और आपकी रेडनेस को, इरिटेशन को काम करता है। एक्नी प्रॉन स्किन के लिए और ड्राई स्किन दोनों के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स रहता है, क्योंकि ये आपके नेचुरल ग्लो को जो है मेंटेन रखता है। इसी वजह से हम इस सीरीज को कहते हैं कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये रिकमेंडेड है। तो अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप है, इन्होंने जो अपने सेकेंड स्टेप का नाम दिया है लैक्टो प्योरीफायर। लैक्टो प्योरीफायर जो है क्लिंजिंग मिल्क का नाम दिया है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, B6 है, B12 है और आपकी स्किन को देगा जनाब ये ग्लो। ग्लो के साथ साथ आपकी जितनी इम्प्योरिटीज है उसको सक आउट करेगा, आपके पोर्स से क्लीन करेगा सारी इम्प्योरिटीज़ को। अब आ जाएं कि इसको प्री एंड पोस्ट क्लेंजिंग किस तरह करनी है। प्री क्लेंजिंग आपको पता है गाइस 2 मिनट की होती है, पोस्ट क्लेंजिंग हम उसके बाद करते हैं ताकि सारी स्किन रेडी हो जाए फर्दर स्टेप के लिए। पोस्ट क्लेंजिंग 5 मिनट की होगी। तो आ जाएं आप इसके थर्ड स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप है ना गाइस, वो है इनका डीप टिश्यू क्लेंजर। इन्होंने अपने डबल एक्शन को दिया है डीप टिश्यू क्लेंजर, क्योंकि इसके अंदर पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स क्या काम करती है गाइस, आपको पता है, आपकी स्किन को सूतिंग देती है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्प करती है, सपल करती है। पैराफिन वैक्स शामिल होने के साथ साथ इसके अंदर B1 एंड B2 है, जो कि पोर्स की अच्छे से सफाई करेगा। अगर रेड होती है, सन टैन होती है, इवन टोन नहीं है स्किन, तो उसको भी इवन करेगा, फिर आपको रेडी कर देगा इनकी मॉप के लिए। मॉप का नाम दिया है फोर्थ स्टेप में इनका। ये फोर्थ स्टेप है जनाब इनका, जो है माइक्रोमोप। माइक्रोमोप इन्होंने अपने स्क्रब का नाम दिया है। इसमें भी छोटे छोटे माइक्रो ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन चुपते बिल्कुल नहीं है, रेतीले बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे करेंगे डिजोल्व हो जाएगा। हर स्टेप के बाद आपने इसके फर्स्ट स्टेप यानी टोनर को साथ लेके चलना है। तो माइक्रोमोप ने आपकी स्किन एंड पोर्स को साफ करके डेड स्किन लेयर को हटा कर आपको रेडी कर दिया जनाब मसाज के लिए। मसाज क्रीम जो है इसका फिफ्थ स्टेप है गाइस। इसके अंदर 3 बटर्स हैं, शिया बटर, कोका बटर, मैंगो बटर्स। मतलब 3 बटर्स के साथ आप अपनी स्किन का कर रहे हो मसाज, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल करता है, ग्लो लेके आता है और आपकी स्किन के जितनी भी फाइन लाइन्स, रिंकल होंगे उसको स्मूथ करेगा। अब आ जाएं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका ब्यूटी व्हील। बेशक के ये ब्यूटी व्हील है, बताएं क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट एंड कोजिक एसिड है। कोई भी मास्क अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं जिसके अंदर कोजिक एसिड जो है इन्वॉल्व हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड बेस्ड फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्होंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये हो गए इनके 6 स्टेप। साथ साथ में इन बॉटल्स की अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो 100x100 जाएगा। ये जो बॉटल्स की पैकेजिंग है ये इस तरह से इनका टोनर है और पंप वाले सारे इन्होंने अपनी बॉटल्स रखी है, 220 ml हर बॉटल में क्वांटिटी है। तो अब हम आते हैं जनाब इनकी फेस पॉलिश की तरफ। इन्होंने 4 बॉटल्स अपने फेस पॉलिश में रखी हैं, जिसमें है 20 वॉल्यूम डेवलपर जिसकी क्वांटिटी 500 ml है। इनका ब्लॉन्डर 200 ml का है। रेशो आपने लेना है 1:2 का, यानी 1 teaspoon अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 2 teaspoon आपने डेवलपर लेना है। इसके साथ इन्होंने सूथिंग लोशन एंड शाइनर को भी बनाया है, इंट्रोड्यूस कराया है जनाब। ये सूथिंग लोशन और शाइनर, ये आ गया शाइनर। शाइनर में है विटामिन सी,
AHA PHA जो पोर्स को भी अच्छे से क्लीन करके आपकी सुपरफिशियल लेयर पे बहुत अच्छा ग्लो लेके आएगा। इसके साथ आपको देगा ये सूथिंग लोशन जिसके अंदर है कोलाइडल ओटमील। अगर खुदा ना खास्ता इसका फॉर्मूला बहुत फास्ट बन जाता है तो कोलाइडल गोल्ड मील का काम ये होता है, ओटमील का काम ये होता है कि जनाब आपकी स्किन को काम करे, रेडनेस से पाक करे और 5 मिनट के अंदर ये नॉर्मल टोन पे लेके आ जाएगा। अब आ जाएंगे फेस वॉशेस की तरफ जो इन्होंने ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए रिकमेंड किए हैं। ये है इनकी फेस वॉशेस की सीरीज जो जेल बेस है गाइस। और सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एंटी एजिंग फेस वॉश से जिसके अंदर है पेपरमिंट, ग्लिसरीन एंड मैंथॉल। जो मैंथॉल आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, पेपरमिंट एंटीऑक्सीडेंट है और हाइड्रेट करता है। आपको पता है ग्लिसरीन में हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, रिंकल्स फाइन लाइंस पे जाके वर्क करेगा, स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देगा, नेचुरल ग्लो लाने में मदद करेगा। तो आप इसे ट्वाइस अ टाइम यूज कर सकते हैं। आ जाएं एंटी एक्नी फेशियल की तरफ, ये भी जेल बेस है, सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर शामिल है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्नी वालों को, ओपन पोर्स वालों को सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉशेस यूज करने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर है पेपरमेंट, इसके अंदर है टी ट्री ऑयल जो आपकी एक्नी बनने ही नहीं देगा, अगर एक्नी है तो उसको ड्राई करने में मदद करेगा। लेकिन ये सारे फेस वॉशेस ओवर ड्राई नहीं करते, ग्लो लाते हैं फेस पे। अब आ जाएं इनका 24 कैरेट गोल्ड जो कि मेरा फेवरेट है, जिसे इन्होंने मल्टी विटामिन नाम दिया है, ठीक है। और ये मल्टी एक्शन काम करता है क्योंकि एंटी रिंकल, एंटी एजिंग और जी वाइटनिंग इफेक्ट के साथ आपको ये मिल रहा है। अब आ जाएं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है होहोबा ऑयल, एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल, जिसकी वजह से स्किन को बहुत ग्लो एंड सफल करता है। 3 सीरीज इन्होंने निकाली, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपकी स्किन का टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इनके 2 सिरम्स हैं, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। गोल्ड सिरम को पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। गोल्ड सिरम जो है ना जनाब, इनका वाटर बेस है, आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है एंड इसके अंदर है नाइसिनामाइड जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में, स्किन को ग्लो देने में और आपकी स्किन को टाइट करने में मदद करेगा। ये डे बेस मैं कहूँगी, ये डे लाइट पे यूज़ करो, SPF 15 है इसके अंदर। ये वाइट कास्ट भी देगा इनका गोल्ड सिरम, वाटर बेस है। अब आ जाएं इनके सिल्वर सिरम की तरफ। सिल्वर सिरम है इनका ऑयल बेस, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रात में लगाओ या फेशियल के बाद आप स्किन पे लगाओगे तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा। ये मल्टी विटामिन इन्होंने अपने सिरम का नाम दिया है क्योंकि ये मल्टी एक्शन करता है, फाइन लाइंस रिंकल पे वर्क करेगा, पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये है इलीस कॉस्मेटिक्स की फुल फेशियल सीरीज का रिव्यू और मेरा आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन। अब फर्दर डिटेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो खवातीन ब्यूटीशियन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं। गाइस अपनी सपोर्ट दिखाएं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। माय नेम इज़ अफशीन रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।